दक्षेश पटेल जो हैं सामने मेरे बैठे हुए हैं, मेरे बहुत पुराने और बहुत प्यारे दोस्त हैं, जो किशोर कुमार जी के गाने आज भी वैसे प्रोग्राम में गाएंगे। उन्होंने ये इतना बड़ा एक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए बहुत सारी तालियां दक्षेश जी के लिए बजा दें। और हम बहुत आभारी हैं दक्षेश कि आपने इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमें मौका दिया कि इस प्रोग्राम में हम हिस्सा बने। दूसरी बात आप लोगों से ये मैं करना चाहता हूँ कि उनके बाजू में जो बैठे हुए हैं वो हेमंत कुमार महाले साहब हैं। ये शायद उनको फेस से बहुत लोग नहीं जानते हों, लेकिन नाम से सभी लोग उनको जानते हैं जो लोग संगीत के चाहने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं इनके, शायद करोड़ों में अब वो फिगर पहुँच चुका है। और अभी बीच में जब प्रियंका जी ने बात की कि एक रिकॉर्ड मैंने जो अपने बनाया था, तो वो पूरा ऑर्गेनाइज हेमंत महाले साहब का किया हुआ था। और ये 24 जनवरी 2015 को हमने रविंद्र नाट्य गृह में प्रभा देवी में बम्बई में किया था। दोपहर 12 बजे से हमने गाना शुरू किया था और रात को 1 बजे तक ये प्रोग्राम चला था, मतलब 13 घंटे मैंने गाया था और तब ये रिकॉर्ड बना था। तो उसका पूरा श्रेय हेमंत महाले साहब को जाता है और मैं उन्हें ही देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाले साहब के आपने उस दिन ये मेरे लिए ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें ये रिकॉर्ड हम बना सके। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो गाना अब हम गाने वाले हैं फिल्म संगम से, ओ मेरे सनम, ये महाले साहब के एक प्रोग्राम में हम दोनों ने गाया था और इतने लोगों का व्यू है इस गाने को देखने के लिए यूट्यूब में। और यूट्यूब के ज़रिए जो प्यार आप लोग हम सब कलाकारों को देते हैं, शायद ओ मेरे सनम गाना 30 लाख लोगों ने देखा है, उसको 30 लाख दफा देखा गया है। उसी प्रोग्राम में मैंने जाने कहाँ गए वो दिन गाया था, वो 43 लाख उसके व्यूज़ हो चुके हैं। तो इनके शोज़ के जो गाने होते हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे गानों के ज़रिए आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई कितना भी हो हंसी गायक, कामयाबी को पा नहीं सकता, सुनने वाले ना हों अगर आगे तो कलाकार गा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के प्यार का। आइए संगम फिल्म से गाना।
मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं, साए भी न आने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, ये राग शिवरंजनी पर आधारित गाना था।